हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। माई सेल्फ शिव दीक्षित। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू मैथमेटिक्स ऑफ स्टैंडर्ड 6। आवर एक्सरसाइज 1C इज गोइंग ऑन एंड अप टू क्वेश्चन नंबर 10 वी हैव सॉल्व। नाउ वी हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 11। सो व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम गिवन नंबर टू गेट समथिंग। पूछ रहे आपको कि हम इस नंबर में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दें कि हमारा रिजल्ट ये निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखो जब भी ऐसे क्वेश्चंस, मैं आगे के भी क्वेश्चंस आपको ऊपर सॉल्व कराया हूँ कि आप मान लोगे लेट, क्या लिखोगे, लेट एक्स शुड बी सब्ट्रैक्टेड, लेट एक्स शुड बी सब्ट्रैक्टेड, आप इतना लिख लोगे। अब आपको एक्स को सब्ट्रैक्ट करना इस नंबर में से। ठीक है, ये कितना नंबर है काउंट करूँ, देखो यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000, करोड़, यानी 1,10,00,000, 10,101। तो आप इसमें से x मान लो माइनस कर लो, 1,10,10,101 - x इज इक्वल टू, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा क्या, 2,635,967, यानी ये कितना आ जाएगा आपका, देख लो जो भी हो। तो जब आप एक करोगे सिंपल वे में तो ये क्या होगा आपका, अब x को उधर भेज लो तो ये इधर आ जाएगा 1,10,10,101 और माइनस में आपका ये नंबर आ जाएगा, उसको सब्ट्रैक्ट कर लो जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ भी इन्होंने किया हुआ है, देख लो इसको सब्ट्रैक्ट किया गया, हमारा ये आंसर आ चुका है। तो लेकिन आप लैंग्वेज मान के बनाओगे, लेट रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स, अब उसके बाद से जैसे मैं बोला वैसे आप बनाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं जरा हम। द सम ऑफ टू नंबर्स इज गिवेन, इफ वन ऑफ देम इज गिवेन व्हाट इज द अदर नंबर। अब देखिए आपको दो नंबर का सम ए गिवन कर रखा है इन्होंने, कितना है देखो, यूनिट 10, 100, 1,000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000, करोड़, 1 करोड़ समथिंग, और उसमें से फर्स्ट नंबर जो है आपको इतना है 89,67,519। तो आपका अदर नंबर फाइंड आउट करना है, तो अदर नंबर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आ जाएगा। तो आप इसी फ्लो बनाओगे, देखो सम ऑफ टू नंबर्स ए हो गया, फर्स्ट नंबर दिया है देयरफॉर सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट किया, इट मीन्स इतना माइनस इतना, इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, ये आपका हो जाएगा आंसर। आई होप डेट यू आर अंडरस्टैंडिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, 12 के बाद 17 आ गया, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, ओके चलो ठीक है, जो आपको इसमें है उसी को सॉल्व करते हैं, बाकी पीडीएफ में बना नहीं पाया, शायद मिस हो गया होगा, तो जब मैं वो पीडीएफ बनाऊंगा तो बाकी के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए जाएंगे। ठीक है, तो 12 के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 17, तो हम पहले 17 ही से ही सॉल्व करते हैं, आगे की मैं पीडीएफ बनाकर आपको 13, 14, 15 और 16 का सॉल्यूशन दे दूंगा, या शायद वो क्वेश्चन ईजी हो इसलिए मैं छोड़ा हूँ, आप उसको खुद से भी कर सकते हो। बाई द वे डाउट हो तो पूछ लेना। हाउ मच मनी वॉज कलेक्टेड फ्रॉम 1786 स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल फॉर अ चैरिटी, चैरिटी समझते हो, गुप्त दान। सो ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूट्स RS 625। देखिए क्या दिया है, किसी स्कूल में 1786 स्टूडेंट्स हैं और हर स्टूडेंट से 625 रुपये लिया जा रहा है, तो टोटल मनी कितना कलेक्ट होगा। आप एक बात बताइए, अगर किसी स्कूल में 10 स्टूडेंट्स हैं, हर स्टूडेंट ने 2 रुपये दिए, तो टोटल रुपीज़ क्या होगा, 20, यानी मल्टीप्लाई करने पर आएगा। तो यहाँ भी हम सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन पहले बनाएंगे लैंग्वेज। देखो कलेक्शन फ्रॉम वन स्टूडेंट 625, देन कलेक्शन फ्रॉम 1786 स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, आपका हो जाएगा ये आंसर। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि ये पीडीएफ में इसको चेक नहीं किया हूँ, हो सकता है इसमें एरर हो, मैं आपको प्रोसेस दे रहा हूँ, आप खुद से इसको सॉल्व करके आंसर लाओगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, ये यूनिटरी मेथड बेस्ड था। ओके, 17 नंबर क्वेश्चन क्या था, यूनिटरी मेथड पे था। ए फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 6,985 स्क्रूज, स्क्रू समझते हो ना, जो आपके मशीनरी पार्ट्स को जोड़ता है टेम्प्रोरी रूप से, पर डे यानी एक दिन में 6,985 स्क्रू को बनाता है। हाउ मेनी स्क्रूज विल प्रोड्यूस इन 358 डेज, अब एक दिन में इतना बना रहा है तो 358 डेज में कितना बनाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए नंबर ऑफ स्क्रूज प्रोड्यूस्ड इन वन ईयर ये हो गया, सो नंबर ऑफ स्क्रूज प्रोड्यूस्ड इन 351 डे सॉरी, तो 358 डेज में क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे हुआ है मल्टीप्लाई और यह आया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, मिस्टर भास्कर सेव आर एस
1756 एवरी मंथ, हाउ मच मनी विल ही सेव इन 13 ईयर्स। अब देखिए ज़रा ध्यान से, वह हर मंथ में 8756 रुपीज़ को सेव कर रहा है, बचा रहा है। तो पूछ रहा है वो 13 साल में कितना बचाएगा, तो पहले एक मंथ में वो बचा रहा है, ठीक है। अब बताओ एक मंथ में कितने ईयर होते हैं, एक ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं, एक ईयर में 12 मंथ होते हैं, एक ईयर में 12 मंथ, 13 ईयर में कितने मंथ हो जाएंगे, तो 13 × 12 कर लेंगे, 13 × 12 यानी 13 × 26 कैरी 2 156, यानी कि 13 ईयर में 156 महीने होंगे, तो 156 महीने में कितने बचाएगा, तो एक मंथ में इतना है तो 156 में क्या होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए नंबर ऑफ मंथ्स इन वन ईयर 12, नंबर ऑफ मंथ्स इन 13 ईयर 12 × 13 156 मंथ, सेविंग इन वन मंथ इतना, देयरफॉर सेविंग इन 156 मंथ क्या होगा। इसी तरह आप लैंग्वेज लिख के इसी फ्लो में आप बनाओगे, फ्लो लैंग्वेज आपका एरर नहीं होना चाहिए, अगर आपका लैंग्वेज और फ्लो एरर होगा तो आपके मार्क्स कट किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, ए स्कूटर कॉस्ट 36,725 रुपीज़, हाउ मच विल 487 स्कूटर कॉस्ट। अब एक स्कूटर की कॉस्ट इतना है तो 487 का क्या होगा, सिंपली मल्टीप्लाई। फिर उसी तरह देखो ये सभी यूनिटरी मेथड है, मैं आपको एक ही क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि आपको लैंग्वेज का नॉलेज हो, यहाँ पे लैंग्वेज बनाना आपको आना चाहिए, इसलिए मैं एक एक क्वेश्चन बता रहा हूँ ताकि आप लैंग्वेज बनाना सीख जाओ। तो कॉस्ट ऑफ वन स्कूटर ये हो गया आपको, कॉस्ट ऑफ 487 स्कूटर क्या होगा, मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते 21, ओके। तो 21 क्या है देखिए, एन एरोप्लेन कवर्स 1485 किलोमीटर इन वन आवर, यानी एक कोई एरोप्लेन है जो एक घंटे में इतना किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 72 आवर्स। अब बताइए अगर वो एक घंटे में इतने जा रहे हैं तो 72 आवर में फिर मल्टीप्लाई, तो लैंग्वेज डिस्टेंस कवर इन वन आवर देन डिस्टेंस कवर इन 72 आवर्स, मल्टीप्लाई करो रिजल्ट लाओ, ओके। अब देखते हैं 22, अभी तक आपका मल्टीप्लाई बेस्ड क्वेश्चन था, अब 22 डिवीजन बेस्ड क्वेश्चन है। देखो द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज गिवेन, इफ वन ऑफ देम इज इतना फाइंड द अदर। अब देखिए आप यहाँ पे दो नंबर का प्रोडक्ट कुछ गिवेन है, एक नंबर इतना है तो अदर नंबर क्या होगा, तो देखो कैसे बनाएंगे आपको सिंपली बताया हूँ, लेट अदर नंबर एक्स, क्या मानोगे आप, लेट अदर नंबर इज इक्वल टू एक्स, तब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवेन है आपको, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में एक्स इंटू एक नंबर 364 है इज इक्वल टू 1342 1408, तो एक्स इज इक्वल क्या हो जाएगा, इधर देखिए मल्टीप्लाई में तो इधर जाकर के क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, यानी 3364 को इसे डिवाइड करो आंसर आ जाएगा, देखो यहाँ पर डिवाइड करके डिवाइड करो जो आएगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं, इफ 36 फ्लैट कॉस्ट इतना, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ईच फ्लैट, यानी आप देखिए आप जो 36 फ्लैट्स हैं, फ्लैट्स जो हम लोग किराए पे रूम लेते हैं उनमें 36 फ्लैट का टोटल कॉस्ट ए रुपीज़ में दिया हुआ है, तो एक का कॉस्ट क्या होगा। अब देखिए जब भी आपको एक ट्रिक बताता हूँ, ज़्यादा चीज़ों का कॉस्ट गिवन हो और कम चीज़ों का कॉस्ट निकालना हो तो वहाँ पे हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। और जब भी आपको कम चीज़ों का कॉस्ट दिया हो और ज़्यादा चीज़ों का कॉस्ट निकालना हो तो हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपको लर्न कर लेना है। तो देखिए 36 का दिया है और ईच ईच मीन्स प्रत्येक एक का निकालना है, तो क्या करेंगे इसको हम डिवाइड कर लेंगे। तो देखो कॉस्ट ऑफ 36 फ्लैट गिवेन, तो कॉस्ट ऑफ वन फ्लैट डिवाइड कर लो, इसको डिवाइड करो कि जो आएगा ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर डिवीजन करके दिखाया गया है, जो आया आपके आंसर हो गया, ये वाला आपका आंसर हो गया, ठीक है। जो आपका कोसेंट आएगा वही आंसर होगा, रिमाइंडर जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, द मास ऑफ ए सिलेंडर फील्ड विद गैस इज 30 kg एंड 250 ग्राम, यानी कोई एक सिलेंडर फील किया गया, मान लो गैस सिलेंडर होगा या फ्यूल सिलेंडर होगा, लिक्विड फ्यूल कुछ भी होगा, तो द मास ऑफ सिलेंडर फील्ड वाज फील्ड विथ गैस, यानी गैस के साथ उस सिलेंडर का मास कितना है, 30 kg 250 ग्राम, एंड द मास ऑफ एम्प्टी सिलेंडर इज 24 kg 480 ग्राम, हाउ मच इज़ द मास ऑफ गैस कंटेन्ड इन इट। देखिए यानी कि सिलेंडर और गैस दोनों का मास मिलके 30 kg और 250 ग्राम हो रहा है,
किसका, सिलेंडर और गैस दोनों का मिलके। केवल सिलेंडर का मास इतना है तो गैस का मास क्या होगा, तो उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो फर्स्टली मास ऑफ सिलेंडर विद गैस ए गिवेन है और मास ऑफ एम्प्टी सिलेंडर ए भी गिवेन है, तो मास ऑफ गैस क्या होता है, इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया, ये आ गया आंसर। अब सब्ट्रैक्ट करने के लिए देखो बच्चा, ग्राम को ग्राम में लिखोगे, केजी को केजी में लिखोगे, जो ज़्यादा है उसको ऊपर और जो कम है उसको नीचे। इससे हमें ज़्यादा और कम को पता करना है, जो बड़ा यूनिट है किलोग्राम वाला, ठीक है। इसको आप सॉल्व करो, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट 25, फ्रॉम ए क्लॉथ 5 मीटर लॉन्ग अ पीस ऑफ लेंथ 2 मीटर 85 सेंटीमीटर इज कट ऑफ, व्हाट इज द लेंथ ऑफ रिमेनिंग पीस। यानी एक कोई कपड़ा है जो कि 5 मीटर लंबा है, कितना लंबा है 5 मीटर, उसमें से 2 मीटर 85 सेंटीमीटर को कट कर लिया गया, तो कितना अब रिमेनिंग बचा। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो टोटल लेंथ 5 मीटर, लेंथ ऑफ पीस कट ऑफ 2 मीटर 85 सेंटीमीटर, तो रिमेनिंग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो देखो 5 मीटर और सेंटीमीटर में 0, इधर 2 मीटर 85 सेंटीमीटर, इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, ये आपका हो जाएगा आंसर। फिर इधर वाले हम बड़े छोटे को कैलकुलेट करेंगे हम, ना कि इधर से, ठीक है। बड़े यूनिट में हम बड़ा छोटा को हमेशा देखते हैं, छोटे वाले में नहीं देखते हैं। अब 26 देखते हैं, इन ऑर्डर टू मेक अ शॉर्ट, यानी शॉर्ट बनाना है, अ लेंथ ऑफ 2 मीटर 75 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ इज रिक्वायर्ड। यानी एक शॉर्ट को बनाने के लिए हमें 2 मीटर और 75 सेंटीमीटर क्लॉथ की नीड है। हाउ मच लेंथ ऑफ द क्लॉथ विल बी रिक्वायर्ड फॉर 16 सच पेयर्स, सच शॉर्ट्स। यानी एक क्लॉथ के लिए इतनी मीटर कपड़े चाहिए, तो 16 के लिए क्या चाहिए। अभी मैं क्या बोला था आपको, छोटा दिया हो और बड़ा के निकालना हो तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, यानी इसको नॉर्मली मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर 1 शॉर्ट इतना, देयर फॉर क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर 16 शॉर्ट, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 27, फिर 28 और फिर 29। मैं इनको समझा रहा हूँ, आपका होमवर्क रहेगा और आप इसको घर पे बैठ के अच्छे से बनाओ, जो डाउट हो आप मुझे पूछो, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूँगा। फॉर मेकिंग 8 ट्राउजर्स, यानी 8 ट्राउजर्स को बनाना है ऑफ द सेम साइज, सेम साइज के 14 मीटर 80 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ इज नीडेड, हाउ मच क्लॉथ विल बी रिक्वायर्ड फॉर ईच। अब ईच मीन्स एक के लिए, अब देखिए 8 ट्राउजर के लिए इतने आ रहे हैं, तो एक के लिए कितना आएगा। फिर हमने बोला जब ज़्यादा से कम पे जाना है तो डिवाइड कर देंगे, तो इसको 8 से डिवाइड कर देंगे, ये हमारा निकल के रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। फिर 28 देखो, द मास ऑफ अ ब्रिक इज 2 kg एंड 75 ग्राम, व्हाट इज द मास ऑफ 14 such bricks। एक का मास आपको दिया है तो 14 का क्या होगा, फिर ज़्यादा से कम से ज़्यादा में जाना है, मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करो, आपका रिजल्ट निकल करके आ जाएगा। नेक्स्ट 29, द टोटल मास ऑफ 8 packets ईच ऑफ द सेम साइज, हर सेम साइज के हैं, इज गिवेन, व्हाट इज द मास ऑफ ईच सच पैकेट, ईच मीन्स एक का, फिर ज़्यादा से कम में ना डिवाइड करो और रिजल्ट लाओ। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, आपका एक्सरसाइज 1 से कंप्लीट हो गया। आगे के वीडियोस में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को कवर करेंगे, आप इनको बनाओ और जो डाउट हो आप विदाउट हेजिटेशन मुझसे शेयर कर सकते हो। ओके, थैंक यू।